हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। तो फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2019 का आंसर किया गया। तो आप सभी ने अभी तक अपना स्कोर चेक कर लिया होगा कि आपका कितना स्कोर आ गया होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट है, अगर आपको क्लेम करना है कि ये क्वेश्चंस सही है और मुझे मार्क्स नहीं मिला, तो ये आपको 10 तारीख तक कर देना है। ठीक है, 10 नवम्बर तक आपको ये लिंक प्रोवाइड किया गया है। इससे पहले आप ये कर सकते हो, और अगर वो जेन्युइनली होगा तो आपको मार्क्स बढ़ जाएगा। तो ये रही आपके मार्क्स बढ़ाने की बात। अब मैं बताता हूँ कट ऑफ। तो आपके मन में ये डाउट होगा कि इस साल का आखिर कट ऑफ क्या जाने वाला है, पिछले साल की तुलना में बढ़ेगा कि घटेगा। तो इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ऐसे ही कट ऑफ और रिजल्ट का न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। तो इस साल का कट ऑफ प्रिडिक्शन करने से पहले मैं पिछले साल का कटअप की ओर आपको एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि पिछले साल कटअप क्या था। तो चलिए देखिए पिछले साल का कटअप, ये आपका 2018 का कटअप है। आप ये देख सकते हो 2018 to 19। तो ये कटअप था पिछले साल का, जनरल का था आपका 135 कटअप। ठीक है, जनरल का ये है। ओबीसी का क्या था, 133। ईडब्ल्यूएस का 127 था, और एससी का आपका 110 था, और एसटी का आपका 99 था। तो ये आपका एक्स सर्विसमैन का 56 था। तो ये आपका कटअप था 2018 का। अब इसमें क्या होगा कटअप, इस कटअप को इस साल क्या बढ़ाया जाएगा, फिर घटेगा, क्या होगा, देखिए। तो कटअप निर्भर करता है आपके तीन फैक्टर पे। तीन फैक्टर क्या क्या, पहला फैक्टर आपका है नंबर ऑफ सीट, कि इस साल आपका सीट पिछले साल की तुलना में बढ़ा है कि घटा है, ये बहुत ही बड़ा इफेक्ट करता है आपके कटअप पे। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर आपका है कि पेपर का जो लेवल है, लेवल ऑफ पेपर, कि पिछले साल पेपर का लेवल क्या था, इजी था कि इस साल इजी था। अगर पिछले साल इजी था तो इस साल कट ऑफ हाई होगा, अगर पिछले साल की तुलना में इस साल इजी है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन होगा। ये दूसरा फैक्टर हो गया। और तीसरा फैक्टर है कितने लोगों ने इस साल एग्जाम अपियर किया। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, तो पिछले साल की तुलना में कितना अपियर हुए हैं। तो ये तीन फैक्टर डिपेंड करता है आपका कट ऑफ पे। तो मैं सारा का सारा एनालाइज करने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, इस साल आपका टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपका आया था 14.68 लाख। ठीक है, ये एप्लीकेशन आया था टोटल इस साल, और नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट्स आपका था 14.09 लाख। ये आपका अपियरिंग था, मतलब आप कितना समझ सकते हो एबसेंट था। तो परसेंटेज आपका देखा जाए तो ये आपका 33.8% के करीब आएगा, ये आपका अपियरिंग था इस साल एग्जाम में। तो 33.8, इसको आप 34 बोल सकते हो। तो 34% लोगों ने एग्जाम दिया इस साल, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। तो आप अपियरिंग ऑफ स्टूडेंट्स देखिए 14.09, इसको 14 लाख मान सकते हो। तो 14 लाख स्टूडेंट्स इस साल एग्जाम दिया है। यही चीज मैं पिछले साल देखना चाहूंगा, पिछले साल क्या था। तो पिछले साल आपका एप्लीकेशन आया था 29.6 लाख। ठीक है, ये एप्लीकेशन आया था, ओके। और अपियर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हुआ था, 13.1 लाख, ये आपका अपियर हुआ था। ठीक है, तो ये परसेंटेज में आप देखोगे तो आपका 44.3% के करीब आएगा, मतलब पिछला साल कुछ ज्यादा ही लोगों ने अपियर हुआ था, क्योंकि पिछला साल कोई सिचुएशन खराब नहीं था। इस साल आपको पता होगा कोविड-19 के चक्कर में बहुत लोग एग्जाम छोड़ दिए थे। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इस साल के कट ऑफ प्रिडिक्शन के लिए। पहला फायदा आपको इससे ये मिला कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही कम था पिछले साल की तुलना में इस साल एग्जामिनेशन में, मतलब 34% इस साल अपियर हुए थे पिछले साल की तुलना में, 10% स्टूडेंट्स इस साल कम हुआ था, जितना एप्लीकेशन भरा गया था उसके हिसाब से, ओके। इसका एक बेनिफिट आपको मिलेगा। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं, दूसरा फैक्टर क्या है। दूसरा फैक्टर में आपको इस साल जो आपका लेवल ऑफ पेपर था ना, वो इजी था। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, इस साल का लेवल बहुत इजी था। अगर आप कंपेयर करोगे 2018 में, तो अगले साल आपका मॉडरेट था। ठीक है, अगले साल मॉडरेट था, इस साल इजी था। तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ इस साल हाई जाने वाला है, पिछले जो फैक्टर था उसके हिसाब से लो जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट कम था, और इस फैक्टर के हिसाब से कट ऑफ हाई जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को ऑपोजिट साइन दिखा रहे हैं। ठीक है, और बात है कि इस साल जब आधा एग्जाम आपका मार्च में हो गया था, और कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं हो पाया था लॉकडाउन के कारण, उनका एग्जाम अक्टूबर में हुआ, तो उनको काफी टाइम मिल गया पढ़ने के लिए।
ये आप देख सकते हो, जिसका तैयारी मार्च में नहीं हुआ था वो अक्टूबर तक अपना तैयारी कर लिया था, तो स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा ही टाइम मिल गया था स्टडी करने के लिए, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है आपका कट ऑफ इंक्रीज करने के लिए। तो चलिए सारे चीज को एनालाइज करके मैं एक फाइनल कट ऑफ आपको मैं बता देता हूँ। तो आपका जो रॉ मार्क्स है ना, रॉ मार्क्स पे पहले मैं एक कट ऑफ बताता हूँ, और फिर आपका एक होता है नॉर्मलाइज मार्क्स। तो नॉर्मलाइज मार्क्स आपका कंफर्म कुछ बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपका पेपर इजी है तो अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स तक बढ़ सकता है, मॉडरेट है तो फिर 8 मार्क्स तक भी बढ़ सकता है, और हार्ड था तो फिर ये आपका 15 मार्क्स तक बढ़ सकता है। ये आपका इजी मॉडरेट हार्ड पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आपका बढ़ेगा। तो मैं आपको रॉ मार्क्स पे आपका इस साल का कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और उसमें आप इतना मार्क्स जोड़ लीजिएगा, क्योंकि वो आपका एक नॉर्मलाइज मार्क्स पे कट ऑफ निकलेगा। ये भी नॉर्मलाइज मार्क्स पे निकला, आप देख सकते हो 2018 का जो नॉर्मलाइज मार्क्स है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स का कट ऑफ है, लेकिन मैं आपको रॉ मार्क्स का बताऊंगा, फिर नॉर्मलाइज में कितना ऐड होगा वो भी मैं बता दूंगा। तो चलिए आपको जनरल का बता देता हूँ। जनरल का जो कट ऑफ इस साल का जाएगा वो आपका जाएगा 132 से 135, इतना अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ है। ये आपका रॉ मार्क्स है। अगर इसका पेपर आपका इजी था तो इसमें +5 कर लो, अगर हार्ड था तो फिर +15 कर लो, मॉडरेट था तो +8 कर लो। मतलब अगर आप देखोगे नॉर्मलाइज में कितना कट ऑफ जाएगा, तो ये आपका जाएगा इजी के लिए मैं बता रहा हूँ 137, हार्ड के लिए मतलब ये आपका एक रेंज जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। लेकिन अभी मैं नॉर्मलाइज इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आपके पास तो रॉ मार्क्स है, आपको पता नहीं नॉर्मलाइज मार्क्स आपको कितना आएगा, तो आप रॉ मार्क्स पे अपना एक सेफ स्कोर मान के चलिए, ठीक। अगर इसमें से ऐसा नहीं है कि 132, अगर 131 वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका होगा नहीं, ठीक है, उसका भी वो चांस है। क्यों? कि अगर नॉर्मलाइज में उसका हार्ड था, नॉर्मलाइज में उसको ज्यादा इंक्रीमेंट मिल गया, अगर 10 15 20 इंक्रीमेंट मिल गया तो फिर वो इस रेंज में आ जाएगा ना। तो अगर इसमें से अगर मान लीजिए आप एक दो आगे पीछे हो तो भी अपना तैयारी जरूर करें। ये नहीं है कि 132 में ही आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपका 131 130 भी आ रहा है ना तो भी आप टीयर टू का तैयारी जरूर करें, ऐसा नहीं है कि उसको ना करें। चलिए मैं ओबीसी का बता देता हूँ। ओबीसी का जो मार्क्स जाने वाला इस साल वो आपका 128 to 130, ये आपका रॉ मार्क्स। आप नॉर्मलाइज में आप कुछ और होगा वो आप बाद में देख लेना, ये रॉ मार्क्स। अगर आपका 128 से 130 आ रहा है तो आप सेफ हो और टीयर टू का तैयारी शुरू कर दो। इसमें से प्लस माइनस आप 2 रख लो, ठीक है, अगर 2 आगे पीछे है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, फिर भी आप टीयर टू का तैयारी शुरू कर लो, लेकिन ये रेंज आपका एक सेफ मार्क्स का रेंज है, ओके। चलिए 80 देख लेते हैं। 80 का अगर रॉ मार्क्स 105 से 110 है तो आप सेफ हो, इसमें भी आप +-3 रख लो। अब देखिए एसटी का, एसटी में आपका ये होने वाला है 100 to 105, ये आपका रॉ मार्क्स का रेंज है, इसमें भी आप +-3 रख लो, ठीक है, 3 आगे पीछे चलेगा, लेकिन 100 से 105 तक तो आप सेफ हो, आप टीयर टू का तैयारी शुरू कर दो। और मैं ईडब्ल्यूएस का भी बता देता हूँ। EWS में भी कंपटीशन कुछ कम नहीं है, ये मत सोचना EWS है तो फिर आपको कम में ही मिल जाएगा। EWS का भी 125 से 130 तक जाने वाला है, ठीक है। तो इस जोन में जो भी अभी रॉ मार्क्स वाले हैं, आप अपने आप को सेफ महसूस करो, आपको कोई टेंशन नहीं है। इसमें अगर एक दो नंबर आगे पीछे होगा वो अलग बात है, वो होगा भी क्यों, क्योंकि नॉर्मलाइज के चक्कर में, ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क्स में बहुत देखा जाता है वेरी, किसी का 5 बढ़ गया, किसी का 5 घट गया, ऐसा होता है, तो उसमें से एक दो मार्क्स इधर उधर होगा, लेकिन आप अपने को जज करना कि आपका पेपर क्या था। अगर आपका पेपर वाकई में बहुत इजी था, आपको लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन हमको मिला था जो बहुत इजी था, तो अगर आप इस रेंज में आ रहे हो तो सोचना कि आपको कुछ ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका पेपर सही में बहुत हार्ड था, आप खुद से पूछो ना यार आपका एग्जाम कैसा था, आपका पेपर बहुत ही हार्ड था, आपने बहुत मुश्किल से आपने इतना मार्क्स लाया, तो फिर आपका कंफर्म है, क्योंकि आपका बढ़ेगा नॉर्मलाइज में आपका 10 से 15 मार्क्स बढ़ेगा, तो फिर आपका रेंज तो बहुत हाई चल जाएगा, इसलिए आपका टेंशन नहीं है। तो मैंने जो रेंज बताया इस रेंज में आप सारे सेफ हो, आप टीयर टू का तैयारी शुरू कर दो, और एक दो नंबर आगे पीछे हो रहा है इसके लिए ये मतलब नहीं है कि आप टीयर टू का तैयारी नहीं करेंगे, आप करो, अगर किस्मत है तो फिर आपको उसमें भी सिलेक्शन मिल सकता है। चलिए जैसे नेक्स्ट अपडेट कुछ आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए एसएससी के कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्टूडेंट, तो तकलीफ।